तो सिर्फ अंदर ही है, बाहर इससे ज़्यादा। चलो चलो, तो सब यहाँ क्यों खड़े, यहाँ से आएगा क्या? अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो ये आई लव दुबई पे आ गए। ये मैंने अभी पहली बार देखा है, जितनी बार भी आई हूँ तो नहीं देखा है, क्योंकि बिल्कुल बुर्ज खलीफा के बस करीब तक जाते थे, इधर इस साइड नहीं आई। ये मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ, और एक ये दिल भी मैं पहली बार देख रही हूँ। कैसा लग रहा है, स्टील का बना हुआ है, स्टील का। जल्दी भी आना था, क्योंकि अगर जल्दी नहीं आते तो जगह नहीं मिलती, इसलिए आना लाजमी था। तो हम आ चुके हैं, इसलिए अभी थोड़ी बस पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। हमने यहाँ पिक्चर्स ले ली हैं, अब हम वापस से उस सामने जा रहे हैं। ये पूरा दुबई मॉल है, दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये स्वेटिंग दिख रही होगी, बहुत गर्मी है, पर क्या करें यार, आना पड़ता है। कितना रश हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत रश होने लग गया है, पहले तो इतना नहीं था। वहाँ 9 बजे का टाइम है और वहाँ सामने तो पहले से लोग खड़े हो गए। हमें भी कोई ऐसी जगह मिल जाएगी, फिर एक जगह जाके खड़े हो जाएंगे ताकि हम इजीली देख लें, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेटअप के सामने खड़े हो गए, यहाँ आएगा किंग खान। 3 घंटे अभी भी, लेकिन लोग कैसे खड़े हुए हमारी तरह।
इसलिए हमने सोचा इस बार हम जल्दी आएंगे, पर लोग हमसे भी पहले आए हुए हैं। मतलब कितने पागल हैं सीरियसली। हम सब आ रहे हैं, जितने भी लोग आए हैं वो सब आ रहे हैं। वाह चलिए A few moments later. सो गाइज, हमारे साथ सीन हो गया। वहाँ जिस जगह हम खड़े थे वहाँ गार्ड ने कहा कि यहाँ पर भी पूरा बंद किया जाएगा, बैनर लगा देंगे, तो आप लोग सब सामने वाली जगह चले जाए। हम सामने वाली जगह गए तो यहाँ देखिए कितना रश है, इतना ज़्यादा कि हमें एंट्रेंस जहाँ था वहाँ पर जगह मिली मुश्किल से। Thank you everybody here for your hospitality.
1 hour later. So guys, अब मैं आ गई हूँ घर और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. बहुत ज़्यादा कि बता नहीं सकती. बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था आते हुए भी. इतने लोग बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था. और बस मैं बहुत खुश हूँ. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं शाहरुख खान को देख कर आ रही हूँ. मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है, पर मैंने उसको देखा इतने करीब से. खैर, बस मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसको देखा. मतलब मेरा ड्रीम था और वो पूरा हो चुका है. तो फिर चलिए, इस वीडियो का अब हम एंड करते हैं. तो अब इसी वजह से कि मैंने शाहरुख खान को देख लिया, तो इसी वजह से अब इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़. ओके, ला हाफिज़. तो ना, शाहरुख खान का इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था कि बुर्ज खलीफा पे उसका ट्रेलर रिलीज़ होगा. तो बस जब से मैंने सोच लिया था, मैंने तहा को कह दिया था कि मैं ज़रूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. मुझे जब पठान रिलीज़ हुई थी तब भी वो आया था बुर्ज खलीफा पे, तो जब मुझे पता नहीं था. लेकिन ये वाला मैंने पोस्ट देखा तो बस मैंने सोचा कि मुझे तो जाना है और बस मुझे मिलना है. और मैंने तहा को कहा था कि मैं तो जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए. तो बस फिर मैं चली गई और देख लिया. बस ड्रीम पूरा हो गया. आई एम सो हैप्पी. Okay, bye, love is